नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेकी हीलिंग फॉर लाइफ में। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो वास्तु के विषय में है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य द्वार दोष क्या क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये दिशाएं आपको मालूम है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है इनके बारे में। ये मुख्य दिशाएं होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट जो कि विदिशाएं बोलते हैं जिन्हें हम लोग, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि सपोज मान लीजिए कि आपका मुख्य द्वार ईस्ट पर है और आपके घर के सामने से एक रोड ऐसे आ रहा हो और वो रोड ऐसे जा रहा हो, ये रोड है आपका, तो आपके घर का सामने एक टी पॉइंट बनता है, तो इसे टी पॉइंट मुख्य द्वार भी कहा जाता है, जो कि ये शुभ नहीं माना जाता। यदि दोस्तों आपका मुख्य द्वार इस साइड या इस साइड नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ में अगर टी पॉइंट पे मुख्य द्वार होता है तो यहां पर इसको हम शुभ मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि कहीं पर भी आपका मुख्य द्वार बना हुआ हो जहां पर टी पॉइंट रोड का खत्म होता हो या बनता हो, तो दोस्तों उसे वास्तु के अंदर शुभ नहीं माना गया। इसका प्रभाव ये होता है कि जो घर का मालिक होता है उसके कार्यों में स्थिरता नहीं होती है, वह अपने कार्यों में स्थिरता नहीं ला पाता। फिर दोस्तों यदि जैसे कि हमने ये पहला भी बताया कि टी पॉइंट जो है वो नहीं होना चाहिए, सेकंड ये कहा जाता है कि मुख्य द्वार के सामने कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मुख्य द्वार है यहां पर, और यहां पर यदि हम कहते हैं कि घर के बाहर कोई गड्ढा है तो यह भी दोस्तों एक दोष माना जाता है, यह भी मुख्य द्वार के सामने एक दोष होता है। ऐसे ही दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मुख्य द्वार है या ये मुख्य द्वार है, उसके जस्ट सामने भी कई बार कुछ लोग कोई अंडरग्राउंड टैंक बना देते हैं या इस टाइप की चीज बनाते हैं, तो दोस्तों वो भी वास्तु दोष के अंदर ही आती है। तो गड्ढा दोस्तों जो है वो ना बाहर होना चाहिए और ना वो उधर अंदर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये घर के अंदर की जितनी भी हमारी खुशहाली होती है उसको कम करता है। तो कहते हैं कि ना गड्ढा घर के बाहर हो और ना घर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कोशिश करें कि उस गड्ढे को भरें और उसे ठीक करें। फिर दोस्तों कहते हैं कि जैसे घर के बाहर और अंदर मैंने कहा गड्ढा नहीं होना चाहिए, वैसे ही आप कोशिश ये करें कि घर के बाहर घर से निकला हुआ गंदा पानी जमा ना हो रहा हो। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हमने कोई छोटी सी एक नाली दे दी घर के लिए और घर को धोया या वैसे किया तो वहां पर सारा पानी जो है वो जमा होता है, या कोई पड़ोस का घर होता है उसका सारा पानी आके हमारे घर के मुख्य द्वार के आसपास में इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों इसको भी हम वास्तु दोष में ही मानते हैं, इसकी बहुत नेगेटिविटी जो है जिससे घर में काफी सारी परेशानियां जो होती हैं वो बनती हैं। फिर दोस्तों तीसरा हम ये कहते हैं कि कई बार ये होता है कि घर के सामने से कोई नाला जा रहा होता है बड़ा, तो घर के मुख्य द्वार के सामने कोई नाला नहीं होना चाहिए। यदि वो कवर्ड है और उसके ऊपर रोड बना हुआ है तो चल जाएगा, पर यदि वो नाला खुला हुआ है तो दोस्तों वो नाला नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि नाला खुला हुआ है और हमने उसके ऊपर कोई एक सेल या परत बिछा कर आने जाने का रास्ता बना दिया है पर वो नाला खुला हुआ है, तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ा दोष माना गया है। और इस दोष को भी हम लोग कहते हैं कि वही वास्तु दोष बहुत बड़ा है और ये नहीं होना चाहिए। इससे भी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती है और घर में भी स्थिरता नहीं आती है। फिर दोस्तों जैसे मैंने भी आपको एक ये कुएं के बारे में, पानी के बारे में, गड्ढे के बारे में बताया, ऐसा ही हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी खंभा नहीं होना चाहिए, बिजली का बड़ा पोल जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक वास्तु दोष के अंदर माना जाता है, जिससे इससे भी कहते हैं कि घर के में धन की हानि होती है, घर में नेगेटिव एनर्जियां आती हैं, तो ये पोल नहीं होना चाहिए। अब ये पोल नहीं होना चाहिए तो बहुत सारे लोगों का ये बात होती है कि भाई ये खंभा हटा तो सकते नहीं है हम लोग, तो क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए कुछ वास्तु रेमेडीज होती हैं जिनका यूज किया जाता है जिससे कि इसके प्रभाव को कम कर लिया जाए। फिर दोस्तों कहते हैं कि घर के ठीक मुख्य द्वार के सामने कोई कुआ नहीं होना चाहिए, तो
घर के मुख्य द्वार के सामने कुआ भी वर्जित है, उसे हम लोग कहते हैं वास्तु दोष में माना जाता है, वह नहीं होना चाहिए। कई बार मुख्य द्वार के सामने एक तेल निकालने का जो कोलू होता है उसको भी हम लोग कहते हैं कि वह भी मुख्य द्वार के दोष में माना जाता है। या फिर घर के सामने कोई बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हो बिजली का, जो घर के ठीक मुख्य द्वार के सामने आ रहा हो, तो दोस्तों वह भी आपका वास्तु दोष के ही अंडर में आता है। फिर दोस्तों ये कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि घर के सामने कहते हैं कि मंदिर नहीं होना चाहिए, या उस मंदिर की छांव आपके घर पे परछाई जो होती है वह नहीं आनी चाहिए, ये काफी ये भी वास्तु दोष में आता है। और इससे जो घर की महिलाएं होती हैं उनको हेल्थ इश्यूज काफी होते हैं। तो दोस्तों ये कहा जाता है कि मतलब मंदिर की जो छाया है वो आपके घर पे नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों कोई घर के बाहर बड़ा पेड़ है तो उसकी छांव भी आपके घर पे नहीं आनी चाहिए। ये अलग बात है कि एक पोजीशन पे कि घर के बाहर बड़ा पेड़ है और उसकी छांव आपके घर के आंगन में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोष नहीं होता है। पर यदि वह छांव आपके घर के कमरे में आ रही है या आपके घर के कमरों के ऊपर आ रही है तो दोस्तों उसे वास्तु दोष के अंदर गिना जाता है और वह वास्तु दोष कहलाता है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऐसे होने वास्तु दोष होते हैं जिनका हम रेमेडी के साथ में उनको कम कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों ये कहा जाता है कि कई बार देखा गया है कि जहां फ्लैट नुमा घर होते हैं वहां पर घर का जो मुख्य द्वार बनता है वो बिल्कुल सीढ़ियों से लगता हुआ खत्म होता है, कि मतलब ये ऐसे कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं घर की अपनी और यहां पे आपका ये मुख्य द्वार है, सीधा आप यहां से एंटर कर रहे हैं अंदर अपने घर के लिए। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा चेंज करें और मुख्य द्वार वहां ना रखें, और यदि ऐसा है तो उसके लिए आप वास्तु का मतलब रेमेडी यूज कर सकते हैं, उससे ये दोष थोड़ा सा आपका कम हो जाता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो इतने भी मैं आपको एक दोष बता रहा हूं, इन दोष को आप वास्तु की रेमेडी के हिसाब से उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। पर जो मैंने आपको मेन मोटी मोटे कुछ दोष बताए हैं उन दोषों का आप ध्यान रखें कि यदि ये आपके घर के आसपास हैं तो आप कोशिश करें कि ये दोष आप वास्तु के जो भी मतलब कि वास्तु के जो भी उपाय हो सकते हैं उन उपायों को आप यूज करके कोशिश करें कि वह कम कर सकें। इससे दोस्तों आपको मुख्य द्वार के दोष से बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो मतलब आप खूब जी तोड़ मेहनत करते हैं पर फिर भी आपके बरकत आपको आपके घर में नजर नहीं आती है, क्योंकि वह हमारा मुख्य द्वार है। हमारा घर में आना और घर के बाहर जाना मेन मुख्य द्वार से होता है। तो दोस्तों यदि आप इस दोष को वास्तु अकॉर्डिंग दूर करते हैं तो आपकी काफी हद तक की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने मुख्य द्वार के बारे में आप लोगों को दी। तो दोस्तों यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।